तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी #TOC पे। हम लोग बात कर रहे थे, अपने सीरीज ऑफ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम आर्डन थ्योरम के बारे में देखने वाले हैं। आर्डन थ्योरम क्या होता है उसको प्रूफ करके देखेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है कि आर्डन थ्योरम लिखो, उसका प्रूफ करो, 7 मार्क्स में डायरेक्टली आता है। तो सबसे पहले आर्डन थ्योरम देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम कुछ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स आर्डन थ्योरम जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग कैसे किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले आर्डन थ्योरम क्या होता है। वैसे हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसको अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मली। आर्डन थ्योरम क्या होता है उसको प्रूफ कर लेते हैं। बहुत ही बकवास सा प्रूफ है लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आपको लिखना होगा, ठीक है। वही बकवास चीजों को लिखेंगे तब जाके नंबर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्डन थ्योरम से। देखिए इफ पी एंड क्यू आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सिग्मा एंड पी डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, ये चीज आपको लिखना है। अगर मेरे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ओवर कोई भी इनपुट अल्फाबेट, कोई भी इनपुट सिंबल है हम लोग के पास, ठीक है, एंड पी डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, मतलब ये जो हमारा पहला इसमें से जो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है P does not contain epsilon नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, देन द इक्वेशन, अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अगर ले आया R is equal to QRP, R is equal to QRP का मतलब R is equal to, यहाँ पे फिर से R यहाँ पे आ रहा है, R इधर भी है, ठीक है, और वो किसी के साथ प्रोडक्ट है और साथ ही साथ किसी का यूनियन ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में अगर ले आया तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो कि आर्डन नाम के बाबा ने दिया था। आर्डन नाम का बाबा बोल दिया था आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूपी स्टार होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू क्यूपी स्टार बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है। इसी रिलेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग जानते हैं उसमें से रिकॉग्नाइज करना, कोई भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा चला, बहुत ज्यादा प्रचलित था अपने जमाने में जब ये आया था। तो ये यहाँ पे R is equal to QP star है। इसका फिर प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ थोड़ा बकवास है, थोड़ा बाबा आदम जमाने का प्रूफ है, ठीक है, एकदम बकवास चीजें करेंगे, घुमा फिरा के हम लोग एक ही चीज को एक ही पॉइंट पे आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहें, फर्स्ट वी विल प्रूफ दैट R is equal to QP star, ये जो आया है ये इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो इक्वेशन जो हम लोग का सॉल्यूशन आया है ये इसका सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का आर है, ये हम लोग का कितना है क्यूपी स्टार आया, क्यूपी स्टार आया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या है, क्यू प्लस आरपी है, तो ये आर की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, इस आर की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, क्यूपी स्टार डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से क्यू कॉमन दिख रहा है शायद, तो क्यू को कॉमन निकाल लिए, क्यू को कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन प्लस पी स्टार पी, पहले भी हम लोग देख चुके हैं एप्सिलॉन प्लस आर आर डैश क्या होता है, आर आर स्टार क्या होता है, सिंपल आर स्टार होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन प्लस पी स्टार पी क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू इंटू पी स्टार, तो ये चीज हम लोग ला दिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि क्यू पी स्टार इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, बहुत ही बकवास है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, नाउ वी विल प्रूफ, क्योंकि हम लोग का ये काम इतने में हम लोग का सीमित नहीं है, 7 मार्क्स में आता है, और इसको हम लोग घुमा फिरा के फिर से एक बार इसको प्रूफ करेंगे। नाउ विल प्रूफ दैट ये इज द यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ किए हैं, यहाँ पे हम लोग ये प्रूफ किए हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये जो क्यू पी स्टार है ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये काम हम लोग कर लेते हैं तो हमारा आर्डन थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, इज द यूनिक सॉल्यूशन, ये जो डब्ल्यू है वो बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है क्यू पी स्टार को, इसका मतलब डब्ल्यू अगर बिलोंग कर रहा है क्यू पी स्टार को मतलब डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है आर को, बहुत ही बकवास है, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, प्रूफ को अपने कंटिन्यू करते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि हमारा जो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार आया था ये यूनिक सॉल्यूशन है, बहुत ही बकवास है। देखिए कि आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी लिखे, ठीक है, अगले स्टेप में आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर की जगह फिर से क्यू प्लस आरपी डाल दिए, क्यू प्लस आरपी डाले, इसको अंदर मल्टीप्लाई किए, क्यूपी हो गया, आरपी स्क्वायर हो गया, फिर से आर की जगह क्या डाल दिए, क्यू प्लस आरपी डाल दिए, ठीक है, फिर से अंदर मल्टीप्लाई किए, तो ऐसा करते गए। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ आई टाइम्स अगर यही काम करें
करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी का पावर आई प्लस, अब हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज करूंगा क्यू ऐसा है क्यू पी आया क्यू पी स्क्वायर आया और ये कब तक आएगा, आर पी का पावर जितना आई है आई प्लस वन तक के, तो अगर ये आई है तो आई प्लस वन तक के जाएगा, ठीक है ऑब्वियस ही बात है। अगर यहाँ पे हम लोग क्यू को कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है प्लस आर पी का पावर आई प्लस वन है, आई यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर टू को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कंसिडर एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू विद मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू आई, हम लोग यहाँ पे कोई कंसिडर करना पड़ेगा कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग लिए डब्ल्यू जिसका लेंथ होगा किसके बराबर, आई के बराबर होगा जितना भी ये इसका लेंथ है आई के बराबर होगा एंड डब्ल्यू इज इन आर, ये हम लोग देख लिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि जो W है वो इसको बिलोंग करता है, सिर्फ और सिर्फ इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है W इसको बिलोंग नहीं करता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि P को अगर मैं P का पावर I इंटू P करूं तो P का पावर I अगर खोलेंगे भी हम लोग P का पावर जीरो से अगर खोलेंगे भी तो उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, P मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे P डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन। इसका मतलब फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है R P का पावर I है और P का पावर I को हम लोग क्या लिखेंगे, P का पावर 0 प्लस P का पावर 1 प्लस P का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू पी भी है, इंटू पी भी है ना यहाँ पे P इंटू P है, ठीक है इंटू P ऐसा मैं लिख सकता हूँ इंटू P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R P का पावर ये कितने भी बार यहाँ पे P अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन तो आ ही नहीं सकता, एप्सिलॉन नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम लोग का ये जो लिखा हुआ है डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा क्यू पी स्टार हो जाएगा। अगर मैं ये चीज लिख सकता हूं तो मैं ये चीज भी बोल सकता हूं कि मेरा आर जो है सबसेट है इसका क्यू पी स्टार का, और अगर मैं ये चीज बता दिया तो मैं ये चीज एकदम कंफर्म कर सकता हूं कि डब्ल्यू क्या है बिलोंग करता है आर को, इसका मतलब डब्ल्यू बिलोंग करेगा क्यू पी स्टार को। इसका मतलब वापस से अगर मैं इक्वेशन नंबर टू पे जाऊं तो डब्ल्यू जो है वो क्यू पी स्टार है, और जो डब्ल्यू जो है वो सॉल्यूशन सिर्फ इसका देगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं देगा, इसको बोलेगा चल बेटा तू निकल, तो इसको निकाल दिया ये हटा दिया, तो W बिलोंग्स टू QP स्टार बाय इक्वेशन नंबर टू, इसका मतलब W बिलोंग्स टू R, और कुल मिला के 10 बार वही चीज लिखने के बाद हम लोग लास्ट में लिखेंगे R इज इक्वल टू QP स्टार इज द यूनिक सॉल्यूशन। देख सकते हैं आप ब्यूटी देख सकते हैं इस थ्योरम की, ठीक है बार बार घुमा फिरा के मैं वही चीज में पहुंच जा रहा हूं, और लास्ट में आप अच्छे से लिख सकते हैं हेंस R इज इक्वल टू Q प्लस RP, इसका मतलब R इज इक्वल टू QP स्टार। इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना पूरा तब आपको मिलेंगे पूरे 7 के 7 नंबर, नहीं तो अगर आप दो लाइन में इसको सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपका। मैं बोलने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इतना महंगा थ्योरम को इतने महंगे तरीके से प्रूफ करेंगे तब जाके हमारी जो जबरदस्त यूनिवर्सिटी है वहां से हम लोग जबरदस्त नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचता मैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, आप इसको एक बार अपने अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से डिकोड कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में जहां पे हम लोग और कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत थ्योरी वाले क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है वो सारी चीजों को देख लेंगे, डिसीजन एल्गोरिदम वगैरह, मतलब छोटे छोटे थ्योरिटिकल जो भी हमारे पार्ट रह गए हैं चैप्टर के वो मैं अपने अगले वीडियो में यहाँ पे कंसिडर कर लूंगा। लेकिन उसके पहले आर्डन थ्योरम के क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, आर्डन थ्योरम के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, तो दो चार क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारी उससे अंडरस्टैंडिंग जो है थ्योरम को लेके वो बहुत बेटर होगी, और वो एग्जाम में आता ही है तो वो चीज को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।